ये छोटा सा असाइनमेंट टास्क है जो लोग इस कोर्स के अंदर इन हैं उनके लिए और अगर आप इन नहीं हैं आप इसके अंदर इनो भी करवा सकते हैं यू कैन जस्ट गो टू सिक्स मंथ्स ऑफ ए आई एन डेटा साइंस जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है यहाँ पे इन करें और स्टार्ट कर दें आज ही डे वन से हम ऑलरेडी जो हैं वो डे वन थर्टी एट पर हैं जो मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा लास्ट वाले टास्क ये है कि आपने यहाँ पर जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई हैं चीज़ें आपने यहाँ पर क्या करना है आपने यहां पे जाके जनरेटिव जहां पे भी लफ्स आता है फॉर एग्जाम्पल बर्ड एक्सपर्ट ये एनएलपी का ट्यूटोरियल है देन आपके पास यहां पे गैन फॉर इमेज रिकग्नेशन ठीक है यहां पे यह जो हमने अभी यूज किया इसके अलावा आपके पास बाउंडलेस गैन है इसको आपने ट्राई करने कसावा डिजीज डिटेक्शन का एक टूटोरियल है उसको ट्राई है एंड देन एच डी आर मॉडल इंटरफेरेंस फॉर सीमेंटिक सेगमेंटेशन आप क्या करेंगे समेंटिक सेगमेंटेशन के लिए इस तरीके से ये जनरेटिव ए आई के बेस पे इसको नॉट नॉट जनरेटिव ए आई दिस इज काइंड ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग आप इसको देख सकते हैं और हमारे पास बाउंडलेस गैन क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ जो इमेज आधी अधूरी होती है ना उसे पूरी करता है और आपने सैमसंग गलेक्सी ए आई के अंदर गूगल पिक्सल के अंदर ये फीचर देखा होगा कि आप उठा के ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं और यू कैन एक्चुअली फ़िल द द्रॉप इमेज, सो ये बाउंडलेस गैन की मदद से भी आप कर सकते हैं विच इज़ अ काइंड ऑफ जो यहाँ पे हमारे पास मॉडल है बाउंडलेस जनरेटिव एडवर्सीयल नेटवर्क्स फॉर इमेज एक्सटेंशन तो बाउंडलेस का मतलब होता है कि ये बाउंड नहीं करता किसी इमेज को आप जितनी मर्जी उस इमेज को बढ़ा सकते हैं ठीक है फिर ऑडियो ट्यूटोरियल पे चले जाएं पिच रिकिग्निशन जो है पिच आवाज़ की पिच जो है उसको रिकगनाइज कर सकते हैं जो मेन चीज़ है ऑटोमेटिक स्पीच रिकिगनीशन आप ये मॉडल्स को यूज़ करके स्पीच रिकगनीशन की डिफरेंट किस्म के ट्यूटोरियल्स जो है उन्हें देख सकते हैं सो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम दो से तीन जो हैं यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आप उनको ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से हमारे पास गैंस या प्री ट्रेंड मॉडल वो काम करते हैं और ये छोटी सी असाइनमेंट इस वजह से है बिकॉज पीपल हु आर इनरोल्ड इन दिस कोर्स दे हैव टू कम्प्लीट दिस असाइनमेंट्स रीजन बिहाइंड दैट इज़ कि जब वो असाइनमेंट करते हैं तो उनका पोर्टफोलियो स्ट्रॉग हो होता है एंड यू कैन ऑलवेज़ ऑलवेज़ लुक बैक इन टू द वीडियोज़ अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती इसी के साथ ही इजाजत दें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं